उनकी घर वापसी हुई है, फिर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की है। कमला पत्यार जी ने भारतीय जनता पार्टी की पुनः सदस्यता ग्रहण की, मैं उनको बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं रिद्धि, आप देख रहे हैं न्यूज खबर। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद नेताओं के दल बदल का सिलसिला थम सा गया था, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक कमलापत आर्य के फिर से बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद इस सिलसिले ने हवा पकड़ ली है। दरअसल कमलापत आर्य ने बीजेपी में घर वापसी की है। कमलापत आर्य नरोत्तम मिश्रा के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें बीडी शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे पूर्व विधायक अपने ही परिवार के सदस्य कमलापत आर्य जी, उन्हें आज उनकी घर वापसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव को कि प्रधानमंत्री जी के प्रति जो भाव मन के अंदर है, आज कमलापत जी ने पुनः कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और 2024 के चुनाव की दृष्टि से वो फिर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की है। और इस अभियान को देखने वाले मध्य प्रदेश के प्रभारी कि जो ज्वाइनिंग का पूरा काम है, आपने देखा होगा कि विधानसभा के चुनाव में भी आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे लगातार इस काम में लगे हैं, तो आज उनके साथ कमलापत आर्य जी ने भारतीय जनता पार्टी की पुनः सदस्यता ग्रहण की, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और आगामी आने वाले समय में हम सब मिलकर के मिशन 2024 ये जो अभियान है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर बनेगी, आज इस अभियान को कमलापत आर्य जी ने भी ज्वाइनिंग करके और ताकत दी है, इसलिए मैं पुनः एक बार बता दें कि बीजेपी में 25 साल रहने के बाद कमलापत आर्य कांग्रेस में विधानसभा चुनाव 2018 के समय शामिल हुए थे, जिसके बाद एक बार फिर से वे बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब भी वह एक उम्मीद के साथ दल बदल करते हैं और बीजेपी में शामिल होते हैं, तब तक पार्टी उन्हें एक हाशिए पर रख देती है। अब ये देखा जा रहा है कि साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 4 राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत हासिल की। हार के बाद कई नेता और विधायकों ने बीजेपी में वापसी शुरू कर दी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।